press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पिछले दिनों दिल्ली में जंतर मंतर और नागपुर में सुर्खियों में आए संविधान जलाए जाने के मामले में एसटी एससी और एससी सहित अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े विभिन्न संगठनों ने संविधान जलाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की सजा की मांग की। इस मामले में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें सरस डेयरी के चेयरमैन बन्ना राम, मेव पंचायत सदर शेर मोहम्मद, रिंकी वर्मा, सूरजमल कर्दम आदि शामिल रहे। जैसे को सभी को पता है कि 9 तारीख को जंतर मंतर पे कुछ जो लोग थे उन्होंने भारतीय संविधान को जलाया, बल्कि उसका अपमान भी किया, बाबा साहब का अपमान किया। इसी उपलक्ष में आज हम उन देशद्रोहियों के खिलाफ मुकदमे हो, उनको फांसी की सजा हो, उसी के संदर्भ में आज एसटी एससी ओबीसी अल्पसंख्यक सभी समुदाय के लोग हैं, हम सभी ये मांग करते हैं इस बीजेपी सरकार को कि आपकी आंखों के सामने जिस तरह से भारतीय संविधान का अपमान हुआ है, उस कानून व्यवस्था का अपमान हुआ है, तो आपको इन देशद्रोहियों को मुकदमा दर्ज करना चाहिए, इनको देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। आज आप ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं? यस, आज हम सभी लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। किसको ज्ञापन दे रहे हैं? हम जिला कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।